गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स राम राम सभी दोस्तों को स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाए सरकारी नौकरी देसी हरियाणा तो दोस्तों इस चैनल पर हमारी हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी उस सीरीज की आज हमारी तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ के अंदर फ्रेंड्स हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जिसके अंदर से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे ओरिजिनल पेपर के माध्यम से करने वाले हैं और दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो कैटेगरी नंबर है वो है ट्वेंटी सिक्स एडवर्टीजमेंट नंबर था ग्यारह दो हज़ार उन्नीस लोअर डिविजनल कलरक दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो एग्ज़ाम हुए थे और दोस्तों ये एग्ज़ाम फरवरी और मार्च 2020 में लिए गए थे और ये एग्जाम दोस्तों कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी थे कुछ के अंदर बी कॉम मांगी गई कुछ में एम कॉम मांगी गई और कुछ दोस्तों आईटीआई और बीटेक ट्रेड के थे तो फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको छोड़कर बाकी हम कंप्लीट पेपर कवर करने वाले हैं तो आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर जो आए हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का दिया गया है फर्स्ट है निमिन में से क्या घमंड का पर्यायवाची नहीं है तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पर अहंकार ऑप्शन बी अभिमान ऑप्शन सी गो और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स गर्व करना तो दोस्तों आप सभी को पता है घमंड के पर्यायवाची क्या होते हैं अहंकार भी घमंड का पर्यायवाची है अभिमान भी और गर्व भी परंतु जो ऑप्शन सी है वो घमंड का पर्यायवाची नहीं होता गो है जो घमंड का पर्यायवाची नहीं है तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए और दोस्तों हमें शब्द दिया गया है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का विपरीत अर्थक पूछा गया है ऑप्शन ए दिया अमीर ऑप्शन बी सदाचार ऑप्शन सी ईमानदार ऑप्शन डी दयालु तो दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना ही तो अमीर होता है ना ईमानदार होता है और ना ही दयालु होता है भ्रष्टाचार का जो विपरीत है फ्रेंड्स वो है सदाचार नेक्स्ट है मुहावरा दिया गया है उल्लू बनाना और उल्लू बनाने मुहावरे का हमसे अर्थ पूछा गया है बहुत ही कॉमन सा मुहावरा है दोस्तों जब आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है आपको पता है कि झूठ बोल रहा है तो आप यही कहते हो कि उल्लू मत बनाओ तो ऑप्शन दिए गए हैं कठोर वचन बोलना मूर्ख बनाना तेज भागना या फिर ईर्षा होना तो दोस्तों ना ही तो कठोर वचन बोलना होता है ना तेज भागना इसका आंसर हो सकता है और ना ही ईर्ष्या होना हो सकता है उल्लू बनाने का अर्थ होता है मूर्ख बनाना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वाक्य का एक वचन बनाए मेरी सहेलियाँ सुंदर हैं इसको बहुवचन में दिया गया है फ्रेंड्स और एक वचन बनाना है बाक़ी तो देखो सारा यूं का यूं रहेगा सहेलियाँ का जो है वो बनेगा सहेली तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर जो दिया गया है मेरी सहेली सुंदर है मेरी सहेलियाँ सुंदर है वो था बहुवचन और एक वचन है मेरी सहेली सुंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड थाली शब्द का बहुवचन चुनिए तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए थाली ऑप्शन बी थाल ऑप्शन सी अनेक थाली और ऑप्शन डी है थालियाँ तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी थालिया थाली का बहुवचन क्या होगा थालिया ऑप्शन डी और आगे दोस्तों कुछ प्रश्न इंग्लिश के दिए गए हैं और दोस्तों हरियाणा वाले बालक तो अंग्रेजी तक घने ड्रेस हैं जहाँ अंग्रेज ते अंग्रेजी तो इतने भी ना डरो अंग्रेजी इतनी मुश्किल को ना तो थोड़ी सी कर लें सा ऑफ द वर्ल्ड विंटेज इज विंटेज होता है दोस्तों बहुत पुराना या पुरातन के लिए यूज किया जाता है जो हम जो उनको हम कहते हैं जो हमारी पुरातन चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें पाई जाती हैं विंटेज कुछ जगह पर शराब के लिए जैसे आपने सुना हो पुरानी शराब होती है तो वो भी विंटेज के नाम से ही जानी जाती है अर्थार्थ दोस्तों विंटेज का अर्थ है प्राचीन और ऑप्शन दिए गए हैं हाँ आपसे सिनोनियम पूछा गया है फ्रेश क्या होता है नया ऑप्शन बी एंटीक्यू ऑप्शन सी न्यू और ऑप्शन डी हाईटेक दोस्तों देखो फ्रेश भी क्या होता है ताजा न्यू नया और हाईटेक अर्थात जो हाई जो टेक्नोलॉजी में हाई होता है अर्थात नई टेक्नोलॉजी के साथ है परंतु जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स एंटी क्यू वो प्राचीन चीज़ों के लिए ही यूज किया जाता है जिसको फॉर एग्जांपल आपको याद हो बहुत जैसे कोई पुरानी चीज़ हो कोई बिल्कुल अकेली सी चीज़ मिलती है आप कहते हैं तो बिल्कुल एंटीक है वो इंग्लिश का ही वर्ड होता है एंटी क्यू तो दोस्तों विंटेज का जो शिनोनियम है वो होगा एंटी क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड स्थान इज द एंटोनियम ऑफ एक्सप्लीसिट दोस्तों एक्सप्लीसिट का एंटोनियम करने से पहले आपको इसका मीनिंग आना चाहिए एक्सप्लीसिट का मीनिंग होता है स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाए वो होती है एक्सप्लिसिट या स्पेसिफाइड ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कन्फ्यूज ऑप्शन बी प्रिसाइज ऑप्शन सी डेफिनेट और ऑप्शन डी स्पेसिफिक दोस्तों ऑप्शन बी सी डी तीनों ही एक्सप्लीसिट के सिनोनियम है बट हमसे पूछा गया है एंटोनियम तो एक्सप्लीसिट होता है स्पेसिफाइड कि आप किसी को बिल्कुल स्पेशल करके बता दो कि इसका आंसर यही है या बिल्कुल राइट right आंसर यही है किसी को कन्फ्यूज ना करना और इसका जो एंटोनियम होगा कन्फ्यूज ऑप्शन ए नेक्स्ट है फ्रेंड एडियम पूछी गई है हमसे ए चेंज ऑफ हार्ट मीन्स अर्थार्थ दिल का बदल जाना तो दोस्तों ज़्यादा ना घुमाते हो इसका राइट आंसर बताती हूँ यह होता है चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दिल का बदल जाना अर्थात किसी के बारे में आपकी विचारधारा अथवा विचारों का बदल जाना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ग्रामेटिकली स्टेटमेंट दी गई है और उसके अंदर मिस्टेक पूछी गई है और हमें स्टेटमेंट दी गई है राजा हैज ए लाइट टच देन एनी अदर म्यूजिशियन दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी हो तो आपको पता है कि जब दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है तो कौन सी फॉर्म आती है वो आपकी सेकेंड फॉर्म आती है तो दोस्तों क्या होगा राजा हैज ए लाइट टच नहीं होकर ये आएगा राजा हैज ए लाइटर टच देन एनी अदर म्यूजिशियन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दोस्तों व uh, हमें सेंटेंस दिया गया है दिस टाउन कोमा लगाकर वंस ए प्रोस्पीरियस सी पोर्ट खाली कोमा लगाकर इज नाउ ए स्थान तो दोस्तों दिस टाउन वंस ए प्रोपीरियस प्रोस्पीरियस प्रोस्पीरियस होता है समर्द अथवा धनी इसमें हमें बोला गया है कि यह है जो किसी टाउन की बात की जा रही है सेंटेंस में कि यह टाउन किसी वक्त में एक बहुत ही समर्द या धनी समुद्र किनारा था या बंदरगाह था परंतु अब इज नाउ ए ऑप्शन दिए गए हैं ए ब्यूटीफुल टाउन बी वाइब्रेंट टाउन सी हीप ऑफ रियोन्स डी फ्लोरिसिंग टाउन तो दोस्तों सेंटेंस का जो थोड़ी सी सेंस है उसको देख कर क्वेश्चन करना जब ये बोल रहा है कि ये पुराने टाइम में बहुत समर्द होता था इसका मतलब अब वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऑप्शन देखकर देखा जाए ब्यूटीफुल टाउन भी नहीं हो सकता वाइब्रेंट टाउन भी नहीं हो सकता और फ्लोरिसिंग टाउन भी नहीं हो सकता ऑप्शन सी हमें दिया गया है हीप ऑफ रूंस अर्थात खंडहरों का ढेर जो पुराने खंडहर में बदल जाते हैं पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं या शहर होते हैं जैसे हम बोलते हैं पुरातात्विक स्थल जो बन जाते हैं उस टाइप से जो हीप ऑफ र्यून्स अथवा खंडहरों का ढेर बन चुका है सेंटेंस कंप्लीट इसी से होगा दिस टाउन वंस ए प्रोस्पीरियस सी पोर्ट जो पुराने काल में बहुत एक सुंदर सम्म बंदरगाह होता था परंतु अब ये एक खंडहरों का ढेर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कुछ इंडिया जी के क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर के अंदर फाइव इंग्लिश के और फाइव हिंदी के आ चुके हैं नेक्स्ट हमारा इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन है इंडिया जी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन है कुमार संभव खालिस्थान के द्वारा लिखा गया था तो दोस्तों सभी को पता है कुमार संभव किसने लिखा कालीदास जी के द्वारा लिखा गया था कुमार संभव के राइटर कौन है एक ना एक बुक तो हर एग्जाम में पूछी ही जाती है इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनकी जो एक वीडियो है वो अलग से बनाएंगे कुमार संभव किसने लिखी वो लिखी थी कालिदास जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड खालिस्तान सिख धर्म के संस्थापक है तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं गुरु नानक देव जी ऑप्शन दिए हैं गुरु गोविंद सिंह गुरु बहादुर सिंह गुरु भाई सॉरी भाई मणि सिंह और गुरु नानक देव बहुत बच्चे गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव में कन्फ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स लेकिन गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें गुरु थे और गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित पार्टियों में से महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे किस पार्टी से हैं देखिए दोस्तों पेपर हरियाणा का और मुख्यमंत्री पूछे गए हैं महाराष्ट्र के और अकेले मुख्यमंत्री नहीं पूछे गए उनकी पार्टी पूछी गई है तो दोस्तों एच का कोई भरोसा नहीं है कितना डीपली पूछ सकती है इसलिए अपने एग्जाम्स को ध्यान में रखिए अच्छी तैयारी करते रहिए तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के ये दो हजार बीस के एग्जाम हुए हैं फरवरी मार्च में उस दौरान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे श्री उद्धव ठाकरे उसके जो पार्टी है वो है शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे की पार्टी कौन सी है शिवसेना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड गिर वन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक वन्य जीव अभियान है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है इस क्वेश्चन को दोस्तों नए जाने कितनी बार घुमाकर पूछा गया बहुत है, A. A. है बहुत बार पूछा जाता है कि एशियाई राष्ट्रीय शेर कहाँ पाए जाते हैं बहुत बार पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किन शेर किसके लिए प्रसिद्ध है और ये भी पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है गुजरात में पाया जाता है और जो गीर के राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है याद रखना दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है गुजरात में है ये एक वन्य जीव अभ्यारण है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है पूर्वी भारत के सुंदरवन खालिस्थान परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है तो दोस्तों नाम से ही पता है ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है सुंदर वन कौन सी परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है ये सदाबहर वनों के उदाहरण है सुंदर वन कौन सी परिस्थिति तंत्र के उदाहरण सदा सदाबहार और इनको सुंदर वन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जी के, के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे ऑप्शन दिए गए हैं अस्थाना कवि ऑप्शन बी मंत्री ऑप्शन सी सेनापति और ऑप्शन डी है शाही उपदेशक तो दोस्तों आप सभी को पता है हर्षवर्धन से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है और जो हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट थे वो अस्थाना कवि या राजकवि की भूमिका निभा करते थे वो महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है पुस्तक का नाम क्या था हर्षचरित जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है वो पुस्तक किसने लिखी है बाण भट्ट ने तीन पुस्तकें खुद हर्षवर्धन ने जो रचित की थी वो कौन कौन सी थी रत्नावती रत्नावली नागानंद और दोस्तों एक बुक और है सॉरी अभी माइंड से निकल गई आप ध्यान रखना है, इनकी तीन बुक हैं फ्रेंड्स और जो राजा हर्षवर्धन हैं ये सातवीं शताब्दी में उत्तर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध और अंतिम हिंदू राजा थे इन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया है और दोस्तों जो इनकी तीसरी पुस्तक थी वो थी प्रिय दर्शिका कौन कौन सी नहीं रत्नावली नागानंद और प्रिय दर्शिका एक किसकी पुस्तक है महाराज हर्षवर्धन की खुद बाण भट्ट ने जो लिखी थी जो इनके कवि थे स्थाना कवि जिनको कहा जाता है वो पुस्तक थी हर्षवर् हर्ष रचित हर्षचरित सॉरी जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित थी और जो इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री आए थे हेनसांग उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक थी सी यू की और बहुत बार पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री हेनसांग आए थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें हरियाणा के किस नगर के गरिमा का वर्णन किया जाता है तो दोस्तों उन्होंने थानेश्वर नगर के महिमा मंडल और गरिमा का वर्णन किया था तो दोस्तों क्वेश्चन एक आया है लेकिन हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट याद रखिए 606 से छः तक उत्तर भारत पर इन्होंने राज किया पंजाब के अंदर इनका राज्य नहीं था बाकी पूरे उत्तर भारत पर राज था और जो इनके दरबारी कवि थे वो थे बाण भट्ट इनके शासनकाल में जो पांच मुख्य पुस्तकें हैं वो एक चीनी यात्री हैं इंसांग के सयोग की खुद महाराज हर्षवर्धन की तीनों पुस्तकें और बाण भट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित उसको पूरा ध्यान रखिए एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता ही रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था और ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए भरत वंश ऑप्शन बी वंश ऑप्शन सी लोधी वंश और ऑप्शन डी गुप्त वंश तो दोस्तों हरियाणा से संबंधित पूछा गया भारत से नहीं तो जो हरियाणा राज्य से संबंधित मूलतः राजवंश था वो था भरत वंश कौन सा वंश भरत वंश जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया किसने दोस्तों देखो पंजाब पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया वो वो कौन थे वो थे सर छोटू राम जिन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा का गलत विरोध किया था और विधानसभा जो पंजाब विधानसभा उस वक्त होती थी उसके अंदर अपनी अलग पार्टी बना ली थी वो कौन थे सर छोटू राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं कितनी दोस्तों 40 सीटें तो दोस्तों कितनी सीटें हैं 40 सीटें जीती हैं हरियाणा में ये बीजेपी का दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर इसके साथ साथ आपको दूसरी पार्टियों का भी पता होना चाहिए कि, कि किसी ने कितनी सीटें जीती तो आइए आपको नब्बे की टोटल डिटेल देखते हैं पहला किसने जीती भारतीय जनता पार्टी ने जीती चालीस उसके बाद जो सरकार का हिस्सा है वर्तमान में जे जे पी जननायक जनता पार्टी उन्होंने सीटें जीती हैं दस उसके बाद कांग्रेस उन्होंने जीती इकतीस उसके बाद आता है हजका का नंबर उन्होंने दो सीटें जीती एक बसपा की थी एक शिरोमणि अकाली दल की सीट थी दोस्तों और पांच निर्दलीय विधायक चुने गए थे फिर से काउंट करो देखो चालीस बीजेपी की उसके बाद दस जे जे पी ने जीती इकतीस सीटें कांग्रेस ने जीती दो हजका ने जीती एक बसपा ने जीती एक शिरोमणि अकाली दल की सीट थी दोस्तों और पांच निर्दलीय विधायक हरियाणा विधानसभा में चुनकर आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैम्पियनशिप में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2019 में सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता तो दोस्तों वो किसने जीता था साक्षी मलिक ने और एक बार साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी वो क्या है दोस्तों तीन सितंबर उन्नीस कितनी है तीन सितंबर उन्नीस है जो शक्सी मलिक की डेट ऑफ बर्थ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तीन तिनपाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन खालिस्तान के द्वारा किया गया दोस्तों जब ये एग्जाम हुआ ये बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन डाला गया था इसलिए करंट अफेयर पर भी ध्यान रखिए जो वर्तमान में चल रहा है वो थोड़ा बहुत न्यूज़ पेपर या न्यूज़ के थ्रू सुनते रहा करिए क्योंकि देखिए बुक बिल्कुल उन्हीं दिनों में की गई थी लॉन्च वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओ पी सिंह के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है जिन ढूंढा तीन पैिया और दोस्तों इस बुक का जो विमोचन किया था वो किया था श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसने लिखी वरिष्ठ आई अधिकारी हैं सिंह बुक का नाम है जिन ढूंढा तीन पाया और पुस्तक का जो विमोचन किया या उद्घाटन किया लिखा हुआ है वो किया श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई दोस्तों जो पानी का वितरण किया गया था पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ये रैली 2009 में विजय संकल्प रैली के तौर पर रोहतक में आयोजित की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस रिफाइनरी में चरम सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता को कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया गया है दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है लद्दाख के अंदर जब गर्मियां बिल्कुल चर सॉरी सर्दियां बिल्कुल चरम पर होती हैं जब हमारे सैनिक माइनस पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ पर सेवा दे रहे होते हैं सर्विस कर रहे होते हैं हमारे लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं उस दौरान जब ईंधन भी जमने लगता है तो ईंधन में जो तरलता कम हो जाती है लिक्विडिटी कम हो जाती है ठोस होने लग जाता है उसका सोल्यूशन करने के लिए किस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो ग्रेड डीजल है उसको विकसित किया है तो दोस्तों वो किया है पानीपत रिफाइनरी हरियाणा ने किसने किया पानीपत रिफाइनरी जो हरियाणा में स्थित है और ये किसकी है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बहुत बार पूछा जाता है कि पानीपत रिफाइनरी किसके स्वामित्व वाली है तो दोस्तों ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की और जो जामनगर रिफाइनरी है दोस्तों देखो इसमें ऑप्शन बी दिया गया है गुजरात की जो जामनगर रिफाइनरी है ये रिलायंस के स्वामित्व वाले जो जो है कॉरपोरेशन है रिफाइनरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे तो दोस्तों कई बार देखो ये भी होते इसको किस्मत कहिए जिस बच्चे ने पहले टिक कर लिया होगा जिसने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे हो सकता है किसी बच्चे का गलत भी हो गया हो देखिए अभी इसमें दस बारह क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था इंडिया जी में जो क्वेश्चन दे रखा था चाहे उसको हरियाणा जी कहिए उसके अंदर क्या कह रखा था कि महाराज हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि थे सॉरी बाण भट्ट थे वो किस पोस्ट पर थे या क्या थे तो वहाँ पर दिया गया था अस्थाना कवि और इसी पेपर के अंदर थोड़े से बाद में ही घुमा दिया गया क्वेश्चन राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे तो कौन थे दोस्तों बाण भट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है श्री दीपचंद बहमन को किसको जाना जाता है दीपचंद बहमन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था तो दोस्तों हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के रोहतक ज़िले से प्रकाशित होता था ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है अभी जैसे पूछा गया किस जिले से प्रकाशित होता था तो कहाँ से होता था रोहतक से बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उस किसके द्वारा प्रकाशित होता था वो होता था दोस्तों श्री राम शर्मा के द्वारा वैसे याद ना हो तो दोस्तों देखिए थोड़ी सी ट्रिक लगा लीजिए कि हम तिलक किसके नाम का लगाते हैं हम तिलक श्री राम के नाम का लगाते हैं तो हरियाणा तिलक किसका समाचार पत्र था वो था श्री राम शर्मा का और पूछा जाता है कि ये साप्ताहिक था या मासिक था तो दोस्तों ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था रोहतक से प्रकाशित होता था और जो इसके राइटर थे लेखक थे वो थे पंडित श्री राम शर्मा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स किसके सॉरी किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया तो दोस्तों देखो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये पृथ्वीराज चौहान पर जिन्होंने बुक लिखी जिन्होंने पृथ्वीराज के पूरा जीवन वर्णन किया है पूरे उनका तो वो किन्होंने किया था चंद्र बरदाई ने और पुस्तक का नाम क्या था पृथ्वीराज रासो श्री चंद्र बरदाई ने लिखी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन वृतान्त का वर्णन किया गया है किसने लिखी चंद्रप्रदायी ने पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो और किसके ऊपर लिखी गई पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो दोस्तों हरियाणा के अंदर दो कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं तो कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात हरियाणा में दो कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है देखिए दोस्तों पूछना वहीं से होता है घुमा फिरा कर पूछा जाता है इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के पानीपत ज़िले में है और दोस्तों ये कब बना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो युद्ध हुआ पानीपत की पहली लड़ाई उसके अंदर इब्राहिम लोधी जो थे वो हार गए थे और उसके बाद ही जो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर बना दिया गया पानीपत में बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा पर किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है तो दोस्तों पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर कौन सी नदी बहती है तो सभी को पता दोस्तों कौन सी बहती है यमुना नदी और कितने किलोमीटर पर 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है नेक्स्ट देखिए फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है ऑप्शन देखिए फ्रेंड दक्षिण में अरावली पर्वतमाला यमुना घग्गर मैदान उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स या अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान लेकिन दोस्तों देखिए अरावली पर्वतमाला है वो हरियाणा के सिर्फ दक्षिण में है शिवालिक जो हिल्स हैं वो सिर्फ उत्तर में हैं और अर्ध रेगिस्थान दोस्तों आप जो रेतीला मैदान है वो राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ है लेकिन यमुना घग्गर का जो मैदान है वो पूरे हरियाणा के तौर पर ही जाना जाता है इसलिए हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा यमुना घग्गर मैदान ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है तो चंडीगढ़ कौन सा किसके द्वारा शासित है दोस्तों संघ सरकार के द्वारा शासित है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है संघ शासित प्रदेश है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है तो दोस्तों कौन सा होता है पंचायती राज के तीन स्तर पर है ग्राम पंचायत ऑप्शन दो पर है सॉरी दोस्तों दूसरे स्तर पर है पंचायत समिति और तीसरे जो स्तर है वो होता है जिला लेवल का या जो सॉरी जिसको जिला लेवल पर बोलते हैं दोस्तों जो दूसरा स्तर कौन सा होगा पंचायत का वो होता है पंचायत समिति पहला ग्राम पंचायत दूसरा पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद के लेवल पर जो बनते हैं तो दोस्तों दूसरा लेवल है पंचायत समिति नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है तो दोस्तों हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है फरीदाबाद शहर है ये 1979 के अंदर गुड़गांव ज़िले से अलग करके बनाया गया और ये जो है जिनको हम बोलते हैं सॉरी फ्रेंड्स जो फ़रीदाबाद ज़िला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी ज़िला है जो क्षेत्रफल में है वो सबसे कम क्षेत्रफल है यहाँ का लेकिन जन घनत्व जो है फरीदाबाद का वो बहुत हरिया पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है और जो औद्योगिक विकास है दोस्तों यहाँ का वो पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है इसीलिए इसको अकेले हरियाणा का ही नहीं उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी कहा जाता है और दोस्तों जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होंगे वहाँ पर मज़दूर वर्ग सबसे ज़्यादा होगा एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा होंगे और जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले आएंगे रोजी रोटी के लिए आएंगे वहाँ की पॉपुलेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी इसलिए फ़रीदाबाद का जन भी पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है देखिए दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यास्त के लिए, लिए. पंछी देखने हेतु वन्य जीवन के लिए और तैराकी के लिए तो दोस्तों देखिए देखने के लिए तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन आ सकते थे ऑप्शन बी और सी वन्य जीवन के लिए भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय स्थल है लेकिन हमें तो एच के अकॉर्डिंग करना है और एच ने इसका ऑप्शन माना है दोस्तों ऑप्शन बी पंछी देखने हेतु और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर तेंदुआ घोरल भोंकने वाला हिरण सांभर चेतल अजगर या फिर जो एक छिपकली पाई जाती है जिसको मोनेटर छिपकली के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सॉरी कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स देखिए कंप्यूटर के कुछ और क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ऑप्शन ए है रूबी ऑप्शन बी पाइथन ऑप्शन सी कोबोल और ऑप्शन डी फ्रेंड्स एच टी एम एल तो दोस्तों रूबी पाइथन और कोबोल हैं जो ये प्रोग्रामिंग भाषा है बट एच टी एम एल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से खाली स्थान का प्रबंधन करता है ऑप्शन देखिए सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन सिस्टम के सॉफ्टवेयर संसाधन या फिर सिस्टम का डेटाबेस और ऑप्शन डी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों संसाधनों का तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी जो संसाधन है उनका प्रबंधन करता है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है दोस्तों पहले तो आपको ब्रेल रीडर का पता होना चाहिए जो ब्रेल लिपि है वो कहाँ पर यूज होती है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो लिपि यूज होती है वो होती है ब्रेल लिपि और यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं ऑप्शन ए टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा डिवाइस पर भेजा जाता है ऑप्शन बी डिवाइस में टेक्स्ट ब्रेल प्रारूप में अनुवादित होता है ऑप्शन सी ब्रेल रीडर का मुख्य घटक एक प्रदर्शन क्षेत्र है जो छोटे प्लास्टिक पिन का उपयोग करता है और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है और यही राइट right आंसर है क्योंकि दोस्तों ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है वो देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं तो एक ब्रेल रीडर का जो आउटपुट है वो वीडियो से ना होकर ऑडियो के माध्यम से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड एस एम टी पी स्टैंड फॉर फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों एस एम टी पी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है एस एम टी पी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ओड को या विषम को चूज करना है चंडीगढ़ जम्मू और कश्मीर छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी जो पांडिचेरी होती थी पहले लेकिन दोस्तों देखिए चंडीगढ़ भी संघ शासित प्रदेश है केंद्र शासित अब जम्मू कश्मीर भी और पांडिचेरी भी लेकिन छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जो केंद्र शासित नहीं है तो इसमें से विषम क्या होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कुछ साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं जब एक प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है अर्थात पूछा गया दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो जब प्रकाश की किरण की दिशा और गति होती है वो दोनों ही बदल जाती है और दोस्तों यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है क्या कहलाती है प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जाती है उसकी दिशा भी बदल जाती है और गति भी बदल जाती है तो दोस्तों प्रकाश की ये घटना है जो प्रकाश अपावर्त वर्तन कहलाती है या अपवर्तन कहलाती है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रक्त का एक घटक नहीं है दोस्तों बल्ड के जो है हमारे घटक पूछे गए हैं पार्ट पूछे गए हैं देखिए आप सभी को पता है प्लेटलेट्स हमारे बल्ड का ही पार्ट होते हैं रक्त का ही पार्ट होते हैं लाल रक्त कोशिकाएं ये भी हमारे ब्लड का ही एक पार्ट हैं। जो वाइट रेड से सॉरी ब्लड सेल्स होती हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो भी हमारे रक्त का ही हिस्सा होती हैं लेकिन मायोसिन हमारे रक्त का हिस्सा नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फार्मूला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो इसका फार्मूला होता है एन ए एच सी ओ थ्री ध्यान रखना दोस्तों कुछ कॉमन से क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला होता है NaHCO3 थ्री तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हमने इस पेपर में से कुछ रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही आसान लेवल के हैं वो छोड़े हैं क्योंकि जब कोरोना ख़त्म होगा लाइव क्लासेज होंगी तो वो आपको करवाए जाएंगे उससे आगे दोस्तों फिफ्टी वन से नाइन्टी तक ये क्वेश्चन जो है ये जो पेपर था दोस्तों एम कॉम लेवल का था सारे के सारे उसी लेवल के क्वेश्चन हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है तो दोस्तों कॉमन पेपर हमने सारा का सारा सोल्व कर लिया है आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में उम्मीद है हाँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर रोज़ दोस्तों आपको ऐसे ही एक एक पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा तो दोस्तों पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो हम कई पेपरों का सॉल्यूशन कर भी चुके हैं अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल